जेके फिटनेस टॉक पे मैं आपका होस्ट एंड दोस्त। आज हम टॉप थ्री जो पिक है मेरी उसमें पिक करेंगे हम बैक। आपका अपर बॉडी का बहुत बड़ा मसल है। अपर बॉडी में अगर आपकी सिमेट्री में दिखनी है तो बैक का मसल का होना बहुत जरूरी है। तो बैक आपकी वी शेप में होनी चाहिए। तो वी शेप के लिए आपको जो आपकी बैक आपको ट्रेन करनी पड़ेगी तभी आपका अच्छी दिखोगे। बेसिकली बैक में अपर बैक, मिडिल बैक और लोअर बैक और लैट्स मसल ट्रेन होने चाहिए। बेसिकली जो बैक का मसल है बहुत बड़ा मसल है। जब भी आप बैक मसल को ट्रेन करते हैं तो बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट मसल मैनिपुलेशन बहुत जरूरी है। प्रॉपर ट्वीस करके आप इस मसल को ट्रेन कर सकते हैं, ना कि इस पर, क्योंकि इसमें आपको मसल दिखेगा नहीं। तो आपको ट्रेन करने के लिए आपको प्रॉपर मसल मैनिपुलेशन होना बहुत जरूरी है। नॉर्मल लाइफ में जब भी आप किसी चीज़ को खींचते हैं या लटकते हैं, किसी चीज़ को आप अपनी तरफ खींचते हैं, तो उस केस में आपका बैक होना बहुत जरूरी है। बैक आपकी मसल को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि इसका जो बेनिफिट है आपको जो नॉर्मल लाइफ में भी मिल सकता है। काफ़ी जो लोग हैं तो बैक को मसल को अवॉइड करते हैं, दो तीन एक्सरसाइज पिक करके उसको छोड़ देते हैं, ईजिली से एक्सरसाइज करके छोड़ देते हैं। तो बैक आपको हमेशा ट्रेन करनी चाहिए, तो क्योंकि अपर बॉडी का सबसे बड़ा मसल यही है। तो अगर आपका ये मसल डेवलप हो गया तो आपकी सारी बॉडी सिमेट्री में दिख जाएगी। नेक्स्ट आता है वीडियो। अगर वीडियो शूट करने से पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, YouTube में फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चैनल सब्सक्राइब करने से ये होता है कि थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने पे। नेक्स्ट आता है वीडियो। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है हमारे पास वाइड ग्रिप पुल डाउन है। वाइड ग्रिप पुल डाउन बेसिकली आपकी ओवरऑल बैक की जो एक्सरसाइज है उसमें इन्वॉल्व है। इसमें प्राइमरी जो लैट्स के मसल उसमें ट्रेन हो जाते हैं। जब भी आप इसको लगाओ तो आपकी शोल्डर विड्थ अपार्ट फ्रॉम से बाहर आपकी ग्रिप होने चाहिए। और दूसरा आपका जब भी इसको नीचे आके स्क्वीज करना है तो प्रॉपर आपका बैक स्क्वीज होनी चाहिए। जब भी आप ऊपर ले जाओ तो प्रॉपर स्ट्रेच होनी चाहिए। इस तरह आप इस मसल को ट्रेन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा मसल है बैक में। तो आप इस सेकेंड जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास बेंट ओवर बारबेल रो। ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी बैक के लिए, क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइज है। जब भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे मेक श्योर करें कि आपकी बैक बिल्कुल स्टिक होनी चाहिए, ना हिलनी चाहिए। 45 डिग्री पे इस पोजीशन पे लगा सकते हैं आप। अगर आपको इस पोजीशन पे लगाना आपको मुश्किल हो रहा है तो इसके अल्टरनेट आप सिंगल हैंड भी लगा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। अब इसकी बैक आपको इसकी चौड़ी दिखनी है तो इस एक्सरसाइज को थर्ड नंबर पे जो एक्सरसाइज है वो है क्लोज्ड फ्लैट पुल डाउन। ये बेसिकली आपकी कंपाउंड एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं, कि उसको जब भी इसको परफॉर्म करते हैं तो ये आपकी मिडिल बैक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यही है। जिसको बैक को वी शेप में चाहिए या चौड़ा करना है तो उस केस में आप इस एक्सरसाइज को लगा सकते हैं। इसमें फर्स्ट आपका प्राइमरी जो आपका मिडिल बैक होगा, सेकेंडरी आप इसमें आपका लैट्स और थर्ड आप इसमें ट्रैप्स और आपका बाइसेप्स ट्रेन हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज को जो एक्सरसाइज ऐड करना चाहता हूँ वो है बैक की हाइप एक्सटेंशन। ये बेसिकली ये एक आपकी लोअर बैक के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। जब भी आप फ्लोर से कुछ चीज़ उठाते हैं या कुछ लिफ्ट करते हैं तो पुल करते हैं, तो उस केस में आपकी लोअर बैक काफ़ी अंगेज होती है, तो उस केस में आपको ये काफ़ी एक्सरसाइज हेल्प करेगी। दूसरे आपको जब भी डेडलिफ्ट लगाते हैं तो उस टाइम भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। एक्सरसाइज को लगाना ना भूलें। बैक की ये बेस्ट एक्सरसाइज है लोअर बैक के लिए। यही एक्सरसाइज है जो आपको काफ़ी इफेक्ट डालेगी बैक पे। तो दूसरा, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप उसका गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज भी लगा सकते हैं, वो भी उसका अल्टरनेट हो सकता है।